ट्रेनिंग लोड के बारे में। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेनिंग लोड, तो मैंने बताया था, देखिए यहां पर लोड का मतलब कभी मत समझिएगा कि कोई भी वेट से है, मतलब कोई भार से मतलब नहीं यहां पर है। ये भार का मतलब क्या है कि जब एक्सरसाइज के दौरान या ट्रेनिंग के दौरान, मतलब कोई भी हमने ट्रेनिंग लिया, उस ट्रेनिंग के दौरान हमें कोच के द्वारा कोई भी टास्क दिया गया और वो टास्क ने हमारे फिजियोलॉजिकल ऑर्गन्स पे, ठीक है, हमारे फिजियोलॉजिकल ऑर्गन्स पर क्या इफेक्ट डाल रहा है, मतलब उन पर कैसा भार डाल रहा, उन्हें कितना प्रेशर में लाता है, इसे ही लोड कहा जाता है। सिंपल की भाषा में अगर आप समझना चाहते हैं तो एक बात ये समझिएगा कि कोच के द्वारा ट्रेनिंग के दौरान किसी भी खिलाड़ी को दिया गया टास्क ही उसके लिए क्या होता है, लोड होता है, ठीक है। और अगर थोड़ा साइंटिफिक भाषा में जाएंगे, फिजिकल एजुकेशन के भाषा में जाएंगे, और आप जैसे टीचर्स के भाषा, मतलब हम लोग टीचर हैं तो हम लोग टीचर की भाषा में जाएंगे, तो इसको कहते हैं कि लोड वही माना जाएगा जो कोच के द्वारा दिया गया हो और वो फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल डिमांड्स मतलब पूरा करता हो इंडिविजुअल्स की। और उसके बाद जो कि हम लोग, ठीक है, कोई भी मोटर एक्शन करते हैं, यानी मूवमेंट के द्वारा, हमने कोई, हमें टास्क में मूवमेंट मिला, जैसे हमने कोच ने कहा कि आपको शटल रन करना है, शटल रन करना है। अब शटल रन तो जानते होंगे सभी लोग, शटल रन तो जानते हैं ना, जैसे ये है शटल रन। अब हमें कोच ने बोला कि आपको शटल रन करना है, देखिए ये शटल रन मैं बना दे रहा हूँ, आपको कोच ने बोला कि शटल रन करना है, तो इससे क्या हुआ कि हमने मूवमेंट किया, और इस मूवमेंट के बाद हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उन पर उनका काम क्या हो गया, उनका वर्क बढ़ गया, उनके फंक्शंस बढ़ने लगे, मतलब कि उनके टास्क बढ़ गए, ठीक है। तो वही हमारा फिजियोलॉजिकल यानी इंटरनल ऑर्गन्स को ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, ज्यादा वर्क करना पड़ रहा है, तो यही टास्क के दौरान जो उनके ऊपर एक्स्ट्रा वर्क का लोड पड़ा, जो भार पड़ रहा है, उसी को यहाँ पर ट्रेनिंग लोड कहा जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? आगे बढ़े सर एक बार दोबारा। जी, देखिए जैसे आपको कोई भी कोच है, जब आप ट्रेनिंग करने जाओगे या कुछ मतलब खिलाड़ी बनने जाओगे, तो कोच आपको कोई ना कोई, मान लीजिए यहाँ पे कोन उसने रख दिया, ये उसने कोन प्लेस कर दिया, अब बोला कि आपको जिगजैग रन करना है, ठीक है। अब आपकी बॉडी क्या हो रही है, कैसे जा रही है, ये तो आप ये जो टास्क परफॉर्म करते हो, तो टास्क परफॉर्म करने में आपके फिजियोलॉजिकल सिस्टम, अब फिजियोलॉजिकल सिस्टम में वो सारे इंटरनल ऑर्गन्स आते हैं, सारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं। अब आप क्या करो, जब आप टास्क करते हो तो बिना ये बताओ कि आपने मूवमेंट किया, जैसे ही आप मूवमेंट करोगे तो आपके मूवमेंट के लिए जिम्मेदार कौन होता है, आपके मूवमेंट के लिए ये इंटरनल ऑर्गन जिम्मेदार होते हैं। तो जब ये आपके मूवमेंट में हेल्प करेंगे तो इन्हें किसी न किसी वेट, मतलब किसी न किसी लोड का सामना, इनके ऊपर भार पड़ेगा। जैसे मैं आपको बता दूं कि जब आप दौड़ना शुरू करोगे तो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम क्या हो जाएगा, सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि जो हार्ट रेट है वो बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको एक टास्क मिला हुआ है और आप इस टास्क को परफॉर्म करने जाओगे तो आपको एक्स्ट्रा एनर्जी की, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपके बॉडी में ऑक्सीजन की जरूरत तुरंत पड़ने लगेगी, एनर्जी एक्सपेंडिचर होगा। तो कहने का मतलब यही है कि जब आप कोई टास्क परफॉर्म करते हो ट्रेनिंग में, तो उस ट्रेनिंग के बाद क्या होता है, जैसे आप ट्रेनिंग शुरू करते हो तो आपकी फिजियोलॉजिकल जो ऑर्गन्स होते हैं उनका काम बढ़ जाता है, और वही उनका काम बढ़ा तो इसका मतलब क्या हो गया, आपको एक लोड मिला। क्या मिला आपको? लोड मिला। आप यही, इसको हम ट्रेनिंग लोड कहते हैं, इसी चीज को हम ट्रेनिंग लोड कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो ट्रेनिंग लोड होता है ना, ये एक दो एग्जाम में पूछा गया है, केबीएस में पूछा जा सकता है ये, और DSSSB में पूछा जा सकता है कि ट्रेनिंग लोड कितने टाइप्स के होते हैं। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग लोड, ठीक है, आउटर लोड और इनर लोड। आउटर लोड में जो हमें दिखता हो, जो सिंपली आप देख सकते हैं, जैसे कोई आप टास्क परफॉर्म करते हो और टास्क के दौरान क्या हो रहा है कि आपने मूवमेंट किस प्रकार का किया है, कितना तेज मूवमेंट कर रहे हो, जैसे हम कह सकते हैं इसको इंग्लिश में इकोनॉमी ऑफ मूवमेंट, इकोनॉमी ऑफ मूवमेंट, मतलब कि कुछ ऐसे मूवमेंट होते हैं जिसमें हमें कम एनर्जी लगानी पड़ती है, सिंपल एनर्जी में काम हो जाता है, और कुछ ऐसे मूवमेंट्स होते हैं जिसमें हमें ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, हमारे बॉडी को ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, कुछ ऐसे भी
टास्क हो सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि कोच के द्वारा जो टास्क दिया गया है वह किस प्रकार का मूवमेंट है, ठीक है। क्वालिटी ऑफ एक्सरसाइज ऑफ एग्जीक्यूशन, आपका जो एक्सरसाइज है उसकी क्वालिटी किस तरह की है, कितना ज्यादा, देखिए जितना ज्यादा मसल्स इन्वॉल्व होगा किसी टास्क को करने में उतना ज्यादा एनर्जी एक्सपेंडिचर आपकी बॉडी होगी और उतनी जल्दी आपकी बॉडी थक जाएगी, है ना, उतनी जल्दी आपकी बॉडी क्या हो जाएगी, थक जाएगी। तो कहने का मतलब ये है आउटर लोड में हम ये देख सकते हैं कि वो जो टास्क कर रहा है उसमें कितना अच्छा मूवमेंट का तरीका है, मतलब कितना अच्छा मूवमेंट कर सकता है, कितना डिफिकल्ट मूवमेंट कर रहा है। इंटेंसिटी ऑफ लोड, इंटेंसिटी ऑफ लोड्स का मतलब एक तरीके जानिए कि इसको हम देखिए इंटेंसिटी, जब भी आप देखिएगा ये आप समझिएगा कि हमारी 100% क्षमता का, ठीक है, या स्पीड ऑफ वर्कआउट, सिंपल भाषा में अगर हम इसको डिफाइन करें मैं आपको समझाने के लिए, तो इसको हम कह सकते हैं स्पीड ऑफ वर्कआउट, किसका स्पीड ऑफ वर्कआउट, आपकी 100% क्षमता का कितना स्पीड आप इस्तेमाल करते हो ट्रेनिंग में, उसी को हम कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ लोड, ठीक है। मैं एक एग्जांपल के द्वारा समझाता हूँ इंटेंसिटी को, समझिएगा ध्यान से। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे टास्क दिया 100 मीटर दौड़ने का, 100 मीटर टास्क दिया, क्योंकि डिस्टेंस छोटा है तो सभी बच्चे अपना कितना परसेंट एफर्ट लगाएंगे, यहाँ पे हम स्पीड ऑफ मूवमेंट भी, स्पीड ऑफ वर्क भी कह सकते हैं, ठीक है। तो बच्चे अपना कितना लगाएंगे एफर्ट, 100 मीटर है तो ये अपना 100% एफर्ट लगाएंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं जब ट्रेनिंग होता है तो उसमें हम 100 मीटर नहीं दौड़ाते हैं, ये तो सिर्फ स्पीड वालों के लिए 100 मीटर होता है जिनको एक्सेलरेशन रन बढ़ाना होता है। लेकिन अगर आपको स्टैमिना बढ़ाना होता है, मान लीजिए आपको एंड्योरेंस बढ़ाना है, तो उस समय आपको कितना टास्क मिलेगा, कम से कम 5 किलोमीटर दौड़ने का मिलेगा। तो ये क्या 5 किलोमीटर आप 100% इंटेंसिटी से दौड़ पाएंगे, अपनी 100% क्षमता लगा के 5 किलोमीटर पूरा दौड़ पाएंगे? नहीं। तो हम वहां पे अपनी क्षमता कितना परसेंट यूज करते हैं, हम अपनी क्षमता का 60% यूज करते हैं, 40% को क्या करते हैं, बाकी डिस्टेंस के लिए बचा के रखते हैं। तो इसी का मतलब होता है इंटेंसिटी, मतलब आपका जो टास्क है, मैं स्टेमिना के पर्पज से समझा रहा हूं कि आपका जो टास्क है, ठीक है, स्पीड ऑफ वर्कआउट, या हम कह सकते हैं डिग्री ऑफ एफर्ट, क्या कह सकते हैं, डिग्री ऑफ एफर्ट, आपकी बॉडी कितना एफर्ट, अपनी 100% क्षमता का कितना एफर्ट लगा के उस टास्क को करती है, तो ये भी दिख जाता है कि आप कितना एफर्ट लगा के कार्य कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड आउटर लोड, ये दिखने वाली चीज है, ठीक है। नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ लोड, यहाँ पे देखिए जब भी वॉल्यूम आएगा, आपको कीवर्ड्स बता रहा हूं, इंटेंसिटी में आप समझिएगा स्पीड ऑफ वर्कआउट या डिग्री ऑफ एफर्ट, हमेशा कीवर्ड याद रखिएगा। दूसरा है वॉल्यूम, आपको देखते ही किसी भी कहीं भी आप अगर वॉल्यूम ऑफ लोड ये वर्ड देखेंगे तो आप समझिएगा ड्यूरेशन की बात हो रही है, यानी कि एक ट्रेनिंग सेशन में खिलाड़ी को जितना भी टास्क दिया गया, मतलब वो टास्क जितना कर रहा, कितने देर तक करता है, ड्यूरेशन, कितने देर तक टास्क को परफॉर्म करता है, वही उसके लिए क्या हो जाएगा, लोड की वॉल्यूम होगी, टोटल वॉल्यूम, है ना, समझ में आ रही बात कि कोई दिक्कत है, ये समझ में आया? यस हाँ। तो जब भी वॉल्यूम आएगा, लोड ऑफ वॉल्यूम या लोड वॉल्यूम या वॉल्यूम ऑफ लोड, दोनों का मतलब एक ही है, लोड वॉल्यूम बोलेगा कभी कभी या वॉल्यूम ऑफ लोड बोलेगा, तो समझिएगा कि हम एक ट्रेनिंग सेशन के दौरान जितना देर टास्क परफॉर्म कर रहे हैं उस ड्यूरेशन से मेजर करते हैं, किसको, वॉल्यूम ऑफ लोड को। देखिए यहाँ पे ड्यूरेशन एंड फ्रिक्वेंसी, और फ्रिक्वेंसी का मतलब क्या होता है, कितनी बार एक ही चीज को रिपीट कर रहे हैं, दैट इज फ्रिक्वेंसी। यही सब चीजें हैं, थोड़ा सा आप जो टर्म्स हैं स्पोर्ट ट्रेनिंग में, ये टर्म जिसका क्लियर हो गया ना, फिर उसे दिक्कत नहीं होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, यही थोड़ा सा टेक्निकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आप अगर यही 2-3 वो इंटेंसिटी का मतलब जानते हैं, और डेंसिटी का मतलब क्या होता है मैं अभी आगे बताऊंगा आपको, चलिए अभी बता देता हूँ। डेंसिटी का होता तो घनत्व है, लेकिन मीनिंग नहीं पता, अभी बता देता हूँ मैं। डेंसिटी यहाँ स्पोर्ट ट्रेनिंग के प्रोस्पेक्टिव से देखना है, हमें इंग्लिश का हिंदी नहीं बताना है कभी भी, याद रखिएगा ये, अगर आप इंग्लिश का हिंदी बताने लगेंगे तो फिर आप तो इंग्लिश टीचर हो गए ना, फिर आपको फिजिकल टीचर क्यों, मतलब क्या फायदा। यहाँ पर हमें
टेक्निकल टर्म में बात करना है एज अ फिजिकल एजुकेशन टीचर, एज अ ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, बिकॉज वी आर अ कोच. ओके, सो दैट्स वाई वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन इंटेंसिटी एंड द डेंसिटी. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेंसिटी? देखिए, जब आपको कोई दो टास्क मिलता हो, जैसे कि कोई टास्क आपको मिला, बोला गया कि 3 बार रिपीट करना है, और उस 3 बार के रिपीट में आपने 1 बार परफॉर्म किया, बीच में आपको रिकवरी का समय दिया गया, तो 2 टास्क के बीच में जो एक रिकवरी का समय दिया गया है, इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं डेंसिटी. क्या बोलते हैं? डेंसिटी. ठीक है, ये पहला टास्क था और ये दूसरा टास्क. वही कोई भी टास्क के बीच में जब आपको बीच में गैप दिया जाता है रेस्ट के लिए, तो वही आपका क्या होता है? डेंसिटी हो जाती है. ठीक है, तो ये देखिए क्या क्या हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा वॉल्यूम टोटल हमारा कितना देर का है, कितने देर का टास्क कराया गया, ये भी आउटर लोड है. हम जो टास्क करते हैं उसमें हमारे कितने मसल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, कितनी स्पीड से हम कार्य को कर रहे हैं, ये सब हमारा क्या है? आउटर लोड है. ये यूजीसी में भी पूछा जाता है. मैं बता दूं, ज्यादातर ये क्वेश्चन आपको यूजीसी और केवीएस और DSSB में देखने को मिलेगा, और आपसे डायरेक्टली मतलब यही ऑप्शन देंगे कि इंटेंसिटी ऑफ लोड, इनर लोड और आउटर लोड, ऐसे करके मतलब क्वेश्चन आ सकता है. या ऐसे बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग गुड एग्जाम्पल ऑफ आउटर लोड. अब इसमें से दे दिया आपको, जैसे इसमें क्या दे दिया आपका, इनर लोड में से कुछ दे दिया, जैसे आपका बता दिया फिजियोलॉजिकल फंक्शन, तो ये इनर लोड हो गया. लेकिन यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ लोड, हमारा कार्य करने की तीव्रता क्या थी, वो बाहर से दिखेगा ना कि आप कितना तेज हाथ पैर मार रहे हो. देखिए इसको इस तरह समझिएगा, आउटर मतलब कि जो हमें दिखता हो ट्रेनिंग के दौरान. तो आपको ट्रेनिंग के दौरान क्या दिखता है कि आप कितना तेज कार्य कर रहे हो, ये हमें दिखेगा, कोच को दिखेगा, तो ये आउटर लोड हो गया. क्वालिटी ऑफ, हाँ सर, मैं चाहती हूँ कि आप ना इन जो ये जो वर्ड्स आ रहे हैं ना बीच में, इनका अपनी भाषा में हमें डेफिनेशंस लिखवा दीजिए, ताकि हमें तब हम रिवाइज करें तो आसान रहेगा. आइए, आपके जो क्वेश्चन है उससे पहले मैंने आंसर लिख रखा है यहाँ पर. ये देखिए, देखा मैंने फिगर के द्वारा भी समझा रखा है. आइए अभी हम लोग यहाँ देख लेते हैं, आउटर लोड क्या है. क्वालिटी ऑफ मूवमेंट, क्वालिटी ऑफ मूवमेंट का मतलब है, देखिए ये जो मूवमेंट कर रहा है ये बाकी आम मूवमेंट से थोड़ा डिफिकल्ट है कि नहीं, कुछ अच्छी क्वालिटी है कि नहीं इसमें मूवमेंट में, बताइए आप. क्यों अच्छी है? क्योंकि इसमें आपके नर्वस सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम के बीच एक अच्छा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, तभी ये मूवमेंट आप अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे. तो जितना ज्यादा मैंने बोला ना कि आपके बॉडी मसल्स इन्वॉल्व होंगे किसी भी मूवमेंट के दौरान, उसको हम कहेंगे क्वालिटी ऑफ मूवमेंट. ठीक है, दूसरा अगला बात करते हैं फिजिकल एक्सरसाइजेस. किस प्रकार की हम एक्सरसाइजेस को चूज करके ट्रेनिंग सेशन में खिलाड़ी को करवाते हैं, एक कोच करवाता है, ये भी आपका आउटर लोड को डिफाइन करता है. एक होता है इंटेंसिटी ऑफ लोड. इंटेंसिटी ऑफ लोड का मतलब होता है कि कितना स्पीड से हम कार्य को करते हैं. एक तो हो गया आपका क्या, जो हम मूवमेंट कर रहे हैं उसमें कितना ज्यादा हमारे बॉडी ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं मस्कुलर सिस्टम के साथ, कोऑर्डिनेशन बैठा रहे हैं, दैट इज क्वालिटी ऑफ मूवमेंट. फिजिकल एक्सरसाइजेस में क्या होगा, थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा कि कितने वैरायटी ऑफ मूवमेंट्स हम यूज करते हैं. ठीक है, वैरायटी मतलब कि अलग अलग प्रकार के कितने एक्सरसाइजेस हम यूज कर रहे हैं, कभी हाथ पैर का कर रहे हैं, कभी हाथ मतलब आंख और पैर का कर रहे हैं. ठीक है, तो ये अलग अलग मूवमेंट कितने प्रकार के, वैरायटी ऑफ मूवमेंट्स पे डिपेंड करता है. नेक्स्ट हमारा है इंटेंसिटी ऑफ लोड. इंटेंसिटी ऑफ लोड का मतलब है स्पीड ऑफ वर्कआउट, हम अपनी 100% क्षमता का कितना इस्तेमाल करते हैं उसका टास्क को करने के लिए. देखिए अगर आप 80% करोगे तो इसका मतलब आप जल्दी थक जाओगे ना, अगर आप 90% करोगे अपनी हमेशा तो और जल्दी थक जाओगे, और अगर आप 60% करोगे तो थोड़ा कम थकोगे, और टास्क क्या होगा आप देर तक परफॉर्म कर पाओगे. तो यही आपका डिफाइन क्या कर रहा है कि आप अपनी 100% क्षमता का कितना स्पीड लगा रहे हो. ठीक है, कितनी ज्यादा. एक होता है वॉल्यूम ऑफ लोड, इसका मतलब मैंने बताया था ड्यूरेशन से मतलब है कितनी देर के लिए आप एक सेशन में कितना ज्यादा, कितना टोटल आपसे परफॉर्मेंस कराया गया उस ड्यूरेशन को ही कहा जाता है वॉल्यूम ऑफ लोड. ठीक है,
अभी समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, एक बार बता देंगे, रिप्लाई करें। सर मुश्किल लग रहा है मेरे को तो, समझ में आया नहीं। आपने बहुत अच्छा समझाया लेकिन अभी घुसा नहीं दिमाग में। कोई बात नहीं, देखिए जिसको नहीं समझ में आता है तो हो सकता है कभी कभी एक बार में देखने से नहीं आता है, मुझे भी नहीं आया था, लेकिन रिवाइज करने से, रिवीजन करने से कई बार आ जाएगा। इसका क्लास का वीडियो आपको रिकॉर्डिंग तुरंत एक घंटे के अंदर, क्लास खत्म होने के एक घंटे के अंदर आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट बात करते हैं इनर लोड। अच्छा आउटर लोड को पहचानना कैसे है, तो देखिए जो हम टास्क करेंगे वो हमें दिखेगा, मतलब फिजिकली ऑब्जर्व होगा, हमारे आंखों से ऑब्जर्व हो जाएगा, दिख जाएगा, ठीक है। लेकिन इनर लोड वाला क्या होगा, दिखेगा नहीं जल्दी। स्वेटिंग को भी हम कह सकते हैं कलर ऑफ स्किन, जब आपका चेंज हो रहा है, जैसे चेहरा एकदम लाल हो गया परफॉर्मेंस करने में, ठीक है, तो ये भी हम कह सकते हैं आपका क्या हो गया, इनर लोड हो गया। स्वेटिंग, पसीना निकल रहा है, ये भी आपका क्या हो गया, इनर लोड हो गया। थकान आपको हो रही है, ये पता चल गया आपके मसल्स थक रहे हैं, ठीक है। लैक ऑफ कंसंट्रेशन एंड लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन, अगर आप किसी टास्क को ज्यादा देर तक परफॉर्म करते हो, अपनी कैपेसिटी ज्यादा परफॉर्म करते हो, फिर आपका जो कोऑर्डिनेशन होता है नर्वस सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम के बीच, वो थोड़ा डिले हो जाता है। जैसे हम लोग बताते हैं थकान के बाद अगर आप एक्सरसाइज करते रहो या फिर आप मैच खेलते रहो तो आपके शरीर में थोड़ी सी सुस्ती आ जाती है, आती है कि नहीं आती है थकान के बाद भी अगर खेलते सर, वो जो लैक्टिक एसिड बनता है, हाँ हाँ उसी थकान होती है, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या हो रही है, देखिए ये सब केमिकल के द्वारा, देखिए ये इनर लोड को हम क्या कहेंगे, इंटरनल ऑर्गन्स के में जब केमिकल रिएक्शंस होते हैं मूवमेंट के द्वारा, उनके द्वारा जो भी चेंजेस बॉडी में हुई है, तो दैट इज कॉल्ड इनर लोड, सॉरी, ठीक है। जैसे कि आप कोई टास्क परफॉर्म करोगे तो उस परफॉर्म जैसी करेगा कोई भी ऑर्गन्स आपका, तो ऑर्गन्स अपने फंक्शन करने के लिए एनर्जी की डिमांड करते हैं, और फिर क्या होता है हमारे बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाते हैं, ठीक है। जैसे आपका एनर्जी का वो होना, एटीपी से एनर्जी तुरंत कन्वर्ट हो जाना, है ना, तो आपके मसल्स को एनर्जी तुरंत प्रोवाइड करना, उसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो जो भी इंटरनल ऑर्गन्स में चेंजेस हो रहे हैं केमिकल, उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम इनर लोड, उनके द्वारा जो चेंजेस हमारे बॉडी में देखने को मिलेगा हम उसे इनर लोड कहेंगे। और आउटर लोड में ये हमारे मूवमेंट्स में, बॉडी पार्ट्स में देखने को मिलेगा, किस तरह का मूवमेंट करते हैं, किस तरह के एक्सरसाइज हम देखिए कर रहे हैं, ठीक है, वैरायटी ऑफ एक्सरसाइज कौन सा हमारा है, इंटेंसिटी ऑफ लोड मतलब देखिए अपनी क्षमता का कितना परसेंट हम लगा रहे हैं यहाँ पर देखिए, है ना। और एक हमारा वॉल्यूम ऑफ लोड, वॉल्यूम ऑफ लोड में हमने यहाँ पे के चित्र क्या दिखाया कि एक ट्रेनिंग सेशन के दौरान में हमने जस्ट एक ट्रेनिंग सेशन के दौरान में ये देखिए हमने क्या किया, अलग अलग टास्क दिया, चार पांच टास्क, ज्यादा टास्क भी हो सकता है, यहाँ मैंने चार ही बताया। तो कितने देर के लिए आप एक्सरसाइज करते हो, टोटल जितने देर के लिए एक्सरसाइज करते हो ट्रेनिंग सेशन में, कितने देर के लिए वर्कआउट करते हो, उसी को हम लोग लोड वॉल्यूम कहते हैं या वॉल्यूम ऑफ लोड कहते हैं, ठीक है। देखिए डेंसिटी ऑफ लोड में हमने क्या बताया, आपने वर्कआउट किया, वर्कआउट के बाद जब आप रेस्ट, सॉरी, ट्रेनिंग लोड कैन बी इम्प्रूव्ड बाय फिट प्रिंसिपल, तो ट्रेनिंग का जो लोड होता है, ठीक है, हम कोई भी ट्रेनिंग को कैसे इफेक्टिव बना सकते हैं या किसी लोड को कैसे खिलाड़ी पर अच्छा प्रभाव डाल सकता है, उसके लिए ट्रेनिंग लोड का भी एक प्रिंसिपल होता है। जैसे एक तो स्पोर्ट ट्रेनिंग का आपने प्रिंसिपल पढ़ा कि स्पोर्ट ट्रेनिंग में जब भी हम स्पोर्ट ट्रेनिंग कराएंगे, ठीक है, खेल के लिए प्रशिक्षण देंगे, तो हमें किन किन सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, और वैसे ही जब हम कोई लोड डालते हैं यानी कोई टास्क देते हैं खिलाड़ी को, कोई भी टास्क दिया हमने, ठीक है, तो उस टास्क को देने का जब हम देंगे तो उसमें हमें किन किन बातों का ध्यान देना होगा ताकि कि खिलाड़ी का जो फिटनेस ऑर्गन है, जो आपका इंटरनल ऑर्गन्स है, उनकी कैपेसिटी में इम्प्रूवमेंट किया जा सके, उनकी कैपेसिटी को बढ़ाया जा सके, ठीक है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले जब भी आप टास्क दे रहे हैं तो टास्क की एक फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। अभी मैंने बताया था फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का हिंदी मतलब होता है बारंबारता, या हम सिंपल कह सकते हैं
रिपीटिशन, इनमें से कितने लोग हैं जिन्होंने जिम में एक्सरसाइज किया है? जो लोग जिम करते होंगे उन्हें बहुत अच्छी समझ में आता होगा ये चीज। तो रिपीट कितनी बार करना है, जैसे जिम में बताया जाता है कि कोई भी आप जैसे एक्सरसाइज करते हो, जैसे मान लीजिए आपने बेंच प्रेस किया, बेंच प्रेस एक्सरसाइज किया आपने, तो आपको ये नहीं कि एक बार का मतलब करना है बेंच प्रेस, आपको कितनी बार करना है कोई भी एक्सरसाइज, तकरीबन 3 रिपीटिशन में करने हैं। देखिए रिपीटिशन यहाँ पे 3 होगा या 3 सेट होगा, सॉरी 3 सेट आपको करने हैं। 3 सेट के अंदर ईच सेट शुड बी इन 10-15 फ्रीक्वेंसी। कहने का मतलब क्या है, अब आप क्या ऐसा थोड़ी कि बेंच प्रेस गए और वेट लिया और बस एक बार अपने नीचे लाया चेस्ट के पास, फिर ऊपर उठा दिया वेट को और हो गया। कहने का मतलब यह है कि फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि कम से कम 10-15 बार फ्रीक्वेंसी, मतलब उसको उस चीज को परफॉर्म करना चाहिए, तो दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो यहां बता रहा है कि टास्क एक अच्छा लोड तभी माना जाएगा जब उस मूवमेंट का फ्रीक्वेंसी सही होगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मतलब कि वो मूवमेंट आप कम से कम 10-15 बार रिपीट करना चाहिए आपको, एक ही बार में तुरंत नहीं आपके बॉडी पर इफेक्ट हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार जब भी हम कोई पढ़ाई करते हैं तो एक बार की क्लास में वो हमें नहीं समझ में आता है, किसी के समझ में आ जाता है, किसी को नहीं आता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपके बॉडी किस तरह से चीजों को एडॉप्ट करती है। ठीक है, तो इसीलिए बताया ना कि यहाँ पे बताया कि फ्रीक्वेंसी आपका सही होना चाहिए। नेक्स्ट उसने बोला कि इंटेंसिटी, मैंने आपको इंटेंसिटी बताया था, क्या होता है इंटेंसिटी? इंटेंसिटी का मतलब होता है स्पीड ऑफ वर्कआउट, जो आप कार्य कर रहे हो या जो टास्क कर रहे हो उसमें आपने अपनी 100% क्षमता का कितना, अपनी स्पीड जो आपकी 100% क्षमता थी उसका कितना भाग, उतना कितना पार्ट आपने इन्वॉल्व करके वो टास्क परफॉर्म कर रहे हो। क्योंकि देखो जब आप टास्क करोगे तो टास्क का ड्यूरेशन थोड़ा सा ज्यादा होता है कंपैरिजन टू द फाइनल कंपटीशन इवेंट। सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? कंपटीशन तो फट से खत्म हो भी हो जाता है, बहुत ज्यादा समय समय नहीं मिलता, वो तो फाइनल हमको देना होता है। तो कंपटीशन में तो हम 100% एफर्ट लगाते हैं, बट इन ट्रेनिंग सेशन हम अपनी इंटेंसिटी क्या करते हैं, कम करते हैं। अभी मैं इसको आपको वेट रनिंग के थ्रू समझा रहा हूँ और रनिंग के थ्रू भी समझा रहा हूँ। देखिए हर टास्क में आपकी इंटेंसिटी अलग अलग हो जाएगी। अब जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, समझिएगा ध्यान से, मैं वेट ट्रेनिंग कर रहा हूँ। वेट ट्रेनिंग को हम लोग क्या जानते हैं, जिम के नाम से जानते हैं। अब आपका जैसे मैक्सिमम आप मानते हैं 60 किलो उठा पाते हो, लेकिन ट्रेनिंग 60 किलो आप मैक्सिमम उठा पाते हो सिर्फ एक बार में। मैक्सिमम का मतलब क्या है कि एक बार हमने मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कराया और मैक्सिमम कितना हम वेट एक बार में उठा सकते हैं, सिंगल एफर्ट में मसल्स के द्वारा, तो वो हमारा तो मैक्सिमम एफर्ट हो गया। बट हमने बोला है ऊपर क्या बोला गया फ्रीक्वेंसी में कि आप इतना वेट लीजिए कि कम से कम उसका 10-15 बार रिपीट होना चाहिए। तो ये क्या बताइए कि हमारा 60 किलो तो हम 100% एफर्ट हमारा है, तो क्या हम 60 किलो वेट लेकर 10-15 बार रिपीट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। तो यहाँ पर हमारी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, अपनी 100% क्षमता यानी 60 किलो की क्षमता से हम लोग इसको कम करके कितना ला देंगे, 60% रखेंगे। अब 60 किलो का 60% कितना हो जाएगा बताइए जल्दी से, 36 किलो, 36 kg। तो अब हम 36 किलो लेकर 10-15 बार रिपीट कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? ये समझ में आ गया तो इंटेंसिटी में कभी जीवन में आपको दिक्कत नहीं होगी। ये समझ में आया कि हमने पहले अपना 100% क्षमता का इस्तेमाल किया था, लेकिन ट्रेनिंग सेशन में हमने क्या किया, हमें 10-15 बार रिवाइज करना था, तो हमने क्या किया, इसको अपनी 100% क्षमता का कम कर दिया, सिर्फ 60% एफर्ट को ही लगाया। अब हमने कितना लिया, 36 किलो का वेट लेकर हमने एक्सरसाइज को शुरू किया, 10-15 बार रिपीट किया। क्या अगर हम 100% एफर्ट से लगाते हैं और एक ही बार एक ही रिपीटेशन करेंगे तो क्या हमारा परफॉर्मेंस बढ़ेगा? आप ही सोचिए, नहीं बढ़ेगा।
इसीलिए रिपीट कराया जाता है, फ्रीक्वेंसी जरूरी होती है, इसीलिए फ्रीक्वेंसी प्रिंसिपल वहां दिया गया था, इसीलिए इंटेंसिटी प्रिंसिपल बताया जा रहा है कि जब भी ट्रेनिंग देंगे। अच्छा, इसको हम लोग अब उसमें समझते हैं, किसमें? इंड्योरेंस ट्रेनिंग में समझते हैं। देखिए, इसी एफर्ट को मैं आपको इंड्योरेंस ट्रेनिंग में समझाने जा रहा हूँ, ठीक है? कोई दिक्कत होगा आप मुझे एक बार जरूर बता दीजिएगा, किसी को समझ में नहीं आएगा मैं दोबारा बता दूंगा, लेकिन इतने आसान भाषा में मैं जानता हूं कि आपको कोई नहीं बताएगा, इसकी श्योरिटी दे सकता हूं मैं, ठीक है? आइए समझते हैं। अब देखिए, इस यहाँ इंटेंसिटी कैसे होगा एंड्योरेंस में, जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था कि 100 मीटर आप दौड़ रहे हो, 100 मीटर आपका जो मैक्सिमम है 100% एफर्ट के साथ आपने कितना दौड़ा, 100% एफर्ट के साथ आपने कितना दौड़ा, जस्ट वेट वन मिनट, सॉरी टू फॉर योर डिले। सो हम लोग बात कर रहे थे, जैसे मैंने 100 मीटर जब आपको दौड़ाया और आपने बोला अपना 100% एफर्ट लगाया, मैक्सिमम स्पीड से दौड़ा, तो मानते हैं कि एक कोई बच्चा आया तो वो 13 सेकंड दिया उसने समय, कितना दिया, 13 सेकंड दिया। अब आपको मैंने एक टास्क अलॉट कर दिया, एक आपको लोड दिया, आपकी स्टेमिना बढ़ानी है, क्या बढ़ानी है, एंड्योरेंस बढ़ानी है, तो 100 मीटर दौड़ा के तो स्टेमिना बढ़ेगा नहीं। मैंने आपसे बोला बेटा 2 किलोमीटर दौड़ना है तुमको, तो क्या वो 2 किलोमीटर अपनी 100% या 100% एफर्ट से दौड़ेगा, नहीं दौड़ेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि अब वो क्या करेगा, अपना 100 की जगह वो कितना परसेंट दौड़ेगा, अब वो अपना 60% से 70% का एफर्ट लगाएगा। अब इसको कैसे निकालेंगे, 60-70% का समय कैसे निकालेंगे, कि 70% में कितना, जैसे वो अगर मैक्सिमम 13 सेकंड में दौड़ रहा है तो इसी 13 में 30% का टाइमिंग और जोड़ दीजिए, 70% मान लो दौड़ रहा है तो कितना हो गया आपका, तो 13 या 39, तो यहाँ 3.9 सेकंड और जोड़ दीजिए, तो इसका मतलब क्या होगा कि अब जब वो टास्क करेगा तो टोटल पर 100 मीटर का डिस्टेंस कितने में जाएगा, 17 सेकंड में जाएगा, क्रॉक्स कितना जाएगा, 17 सेकंड में जाएगा। ये चीज समझ में आया कि नहीं आया? अब जो 100 मीटर वो टास्क करेगा 2 किलोमीटर के लिए, वो क्या करेगा, 17 सेकंड में टास्क लेगा। ये समझ में आया कॉन्सेप्ट, ये स्टेमिना बढ़ाने का? कोई कुछ बोल नहीं रहा? यस हाँ ठीक है सर। यस सर। अरे हमें तो देखिए, ये ओरिजिनल स्पोर्ट ट्रेनिंग ऐसे ही होती है, यही स्पोर्ट ट्रेनिंग है, यही 3-4 कॉन्सेप्ट जो समझ लेता है उसको स्पोर्ट ट्रेनिंग में कभी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? मैं इसको बता सकता हूँ, देखो मैंने आपको बता दिया, मैंने यहाँ पे 100% एफर्ट बोला है, 100% एफर्ट आप अपने कॉम्पिटिशन पीरियड में लगाते हो, ना कि वर्कआउट पीरियड में या ट्रेनिंग पीरियड में, कहाँ लगाते हो 100%? ट्रेनिंग पीरियड में 100% एफर्ट तब लगेगा जब कोई शॉर्ट डिस्टेंस, जैसे 100 मीटर वाला प्लेयर है तो वो अपना 100% लगाएगा, और कुछ खेल होंगे उसके हिसाब से अलग हो जाएगा, मतलब कंपटीशन के टाइम पे लगेगा 100%, बाकी हाँ, इसमें होंगे तो नहीं लगेगा। हाँ, 100% का मतलब ये है कि आप अपना मैक्सिमम, क्योंकि आपको टास्क लंबा है, आपको देर तक दौड़ना है, 2 किलोमीटर 100 मीटर से ज्यादा है, तो क्या आप 100% एफर्ट लगा के दौड़ पाएंगे? यही चीज यहाँ पे निकाली जाती है, इसी को कहते हैं ट्रेनिंग,
यही कुछ टेक्निकल चीजें हैं, इन्हीं को देखना होता है। तो टास्क जब भी लोड आएगा आपके बॉडी में, तो आप लोड के लिए फ्रिक्वेंसी का ध्यान रखेंगे, इंटेंसिटी का ध्यान रखेंगे, टाइम का ध्यान रखेंगे। टाइम को हम लोग वॉल्यूम कहते हैं। याद रखिएगा कि आप कितने देर के लिए कार्य कर रहे हो। लोड आपको मिला, आपके टीचर ने कितना देर तक आपको टास्क करवाया, उस टोटल देरी को ही, उस ड्यूरेशन को ही हम क्या कहेंगे, वॉल्यूम कहेंगे। लोड वॉल्यूम सीधा सा मतलब है। ठीक, आगे बात करते हैं टी फॉर टाइप। टाइप मतलब क्या है कि जो एक्टिविटी आप करते हो, डिस्क्रिप्शन ऑफ द एक्सरसाइज और एक्टिविटी। तो एक्सरसाइज में क्या चीजें इन्वॉल्व ज्यादा हो रही हैं, कार्डियोवास्कुलर, मस्कुलर स्ट्रेंथ, मस्कुलर। देखिए ये वाला बहुत देर तक समझना नहीं है, लेकिन ये जो दो तीन टर्म है ना, लोड वॉल्यूम, इंटेंसिटी और फ्रिक्वेंसी, ठीक है, ये दो तीन टर्म्स आपको याद रखने हैं। कभी कभी इन्हीं के बेस पर क्वेश्चन दे देता है। ठीक है, आइए अब हम लोग समझते हैं रिकवरी को। सो व्हाट इज रिकवरी? रिकवरी क्या होती है? इन्वॉल्व्स द रेस्पिरेशन एंड रीजनरेशन ऑफ नॉर्मल बॉडी स्टेट। रिकवरी क्या होती है? जब भी आपको टास्क मिला, टास्क के बाद क्या हुआ, आपका जो इंटरनल ऑर्गन्स है, टास्क के बाद जो इंटरनल ऑर्गन्स है, उन ऑर्गन्स के ऊपर क्या पड़ा, लोड पड़ा। लोड पड़ने से उनके जो सिस्टम का जो कैपेसिटी था या जो उनकी क्षमता थी, उन पर चेंजेस होने लगा, उनके इन्वायरमेंट में चेंजेस होने लगा और उनकी जो फंक्शंस थी वो भी बढ़ने लगी, स्पीड उनकी बढ़ने लगी, कार्य करने की क्षमता बढ़ने लगी, क्योंकि अभी फटाफट हमें टास्क करना है। तो जैसे ही हमारा टास्क का समय बढ़ता गया, मतलब इनका कह सकते हैं कि इन पर लोड बढ़ा, उसके बाद फिर हमने क्या किया, कुछ देर इनसे कार्य कराने के बाद फिर हम अपने मूवमेंट को थोड़ा सा स्लो कर दिया या स्टॉप कर दिया, और उसी समय क्या हो गया कि जो हमारी बॉडी थी, ठीक है, वो बॉडी क्या हो गई, जो बॉडी के ऑर्गन्स थे वो क्या होने लगे, धीरे धीरे अपने आप को रिलैक्स करने लगे। लेकिन जब वो टास्क कर रहे थे तो काफी स्ट्रेस में थे, क्योंकि उन्हें फटाफट मूवमेंट्स को परफॉर्म करना था। लेकिन अब जब हम रिलैक्स करेंगे, ठीक है, तो वो क्या, जब हम थोड़ा सा रिकवरी करेंगे तो हमारे सिस्टम ऑर्गन्स क्या होते हैं, थोड़ा रिलैक्स करते हैं और फिर से वह क्या हो जाते हैं, जैसे नॉर्मल पोजीशन में थे वैसे ही आने की कोशिश करने लगते हैं। हालांकि पूरी तरीके से नहीं आते हैं, क्योंकि पूरी तरीके से आने के लिए कम से कम 2 से 4 घंटा उन्हें फुल रिकवरी चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है? फुल रिकवरी चाहिए होती है। तो रिकवरी का मतलब क्या होता है कि टास्क के बाद फिर से उस एनर्जी को वापस पाना जो उन्होंने टास्क के दौरान एनर्जी को खत्म कर ली थी। ठीक है, सीधा सा मतलब आप समझिएगा रिकवरी का, कि रिकवरी का मतलब ये होता है कि रिकवरी इसलिए दिया भी जाता है खिलाड़ी को कि जैसे टास्क किया, टास्क के बाद हमारी पूरी एनर्जी खत्म हो गई और अब हमें फिर दोबारा टास्क करना है, तो दोबारा टास्क करने के लिए क्या होगा कि आपकी बॉडी को थोड़ी सी रिलैक्स दी जाएगी। उसी रिलैक्स के समय में वह फिर से अपनी पुरानी एनर्जी को रिकवर और रिस्टोर करते हैं। अब समझ में आया बात? ठीक है, सब ऊपर से जा रहा है, ऐसा तो नहीं है? नहीं सर, रिकवरी में नो सर, बिल्कुल नहीं सर। ओके, देखिए रिकवरी और एडॉप्टेशन में डिफरेंस होता है। रिकवरी में मसल्स क्या होती हैं या जो भी मतलब ऑर्गन्स क्या होती हैं, वो दोबारा टास्क करने के लिए फिर से एनर्जी को रिस्टोर करने लगती हैं। एडॉप्टेशन में क्या हो जाता है कि जो हमने टास्क किया हुआ है, ठीक है, जो हमने टास्क किया हुआ है वो टास्क, अब हमको जो आगे वाला टास्क मिलेगा तो ये पिछले टास्क से ज्यादा हम परफॉर्मेंस करेंगे। इस बार हमारी बॉडी की कैपेसिटी बढ़ जाती है, ऑर्गन्स की कैपेसिटी, यही हमारे अंदर हमारे ऑर्गन्स की सबसे बेहतरीन चीज होती है कि हम इसको जिस कंडीशन में रखने लगते हैं वो उसको एडॉप्ट कर लेती है। जैसे मैं एग्जांपल आपको दूं कि जो लोग ठंडी जगह पर रहते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर में रहते हैं, लेह लद्दाख में रहते हैं, उन लोगों की सिस्टम क्या होती है, ठंड को एडॉप्ट कर लेती है। लेकिन हम लोग वहां पे जाएंगे तो हम लोग को कितनी ठंड लगती है,
तो हमारे ऑर्गन्स की एक अच्छी बात ये होती है, कह सकते हैं नेचुरल फेनोमेनन है, कि चीजों को सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या करने लगती है, एडॉप्ट कर लेती है। तो जैसे ही हमने उसको एक टास्क दिया था, लोड दिया था, और लोड के बाद हमने रिकवरी दे दिया ताकि मसल्स हमारा एनर्जी को क्या कर ले, रिकवर कर ले। तो रिकवरी जैसे हमने दिया, तो रिकवरी देने के बाद बीच में क्या हो गया, एडॉप्टेशन प्रोसेस हो गया। अब एडॉप्टेशन का मतलब ये हो गया कि जो पिछली बार हमने टास्क जितना देर परफॉर्म किया था, रिकवरी देने से पिछला टास्क की जो देरी थी, जो समय था, या टास्क की जो क्वालिटी थी, अब हमारा बॉडी उसको एडॉप्ट करके दूसरा और अलग तरीके का और उससे ज्यादा देरी का, उससे ज्यादा समय का टास्क लेने के लिए तैयार हो गया, उससे ज्यादा काम करने के लिए तैयार हो गया। समझ में आ रही बात? ऐसा आप लोगों के आवाज से तो नहीं लग रहा है, लग रहा है कि आप लोग बोर हो रहे हो। सर ये तो नहीं, सर नहीं सर, किसका मतलब, आइए आपको एक फिगर के द्वारा समझाते हैं। देखिए ये फिगर देखिए, एडॉप्टेशन लोड का फिगर देखिए ध्यान से। सबसे पहले हमारे शरीर को लोड का मतलब क्या है ये समझ लीजिए, नॉर्मल भाषा में टास्क, यानी हमारे बॉडी को क्या करना पड़ा, टास्क, कोई मूवमेंट करना पड़ा। टास्क मतलब कोई मूवमेंट आप कर रहे हो। मूवमेंट करने के बाद क्या होता है, आपकी जो बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं, अंदर का जो सिस्टम होता है, ठीक है, ऑर्गन्स के फंक्शंस बढ़ने लगते हैं। फंक्शंस मतलब उनकी जो कार्य करने की क्षमता होती है वो नॉर्मल से बढ़ जाती है, और फिर अंदर क्या होने लगते हैं, आपके अंदर, आपके बॉडी के अंदर कई सारे केमिकल रिएक्शंस होने लगते हैं। केमिकल रिएक्शंस होने से जो इंटरनल इन्वायरमेंट होता है, इंटरनल ऑर्गन्स का इन्वायरमेंट होता है, वो इन्वायरमेंट क्या होने लगता है, वो इन्वायरमेंट अंदर का बढ़ने लगता है। शरीर गर्म होने लगता है कि नहीं होने लगता है, शरीर गर्म हो जाता है कि नहीं हो जाता है एक्सरसाइज करने पर, हो जाता है सर। हाँ, तो मूवमेंट किया तो यही होता है। और होम्योस्टासिस का मतलब, ये क्वेश्चन पूछा गया कई बार, होम्योस्टासिस का मतलब क्या होता है, इंटरनल ऑर्गन्स, ठीक है, अरे सॉरी, इंटरनल इन्वायरमेंट मतलब बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट से रिलेटेड रखता है क्या, होम्योस्टासिस, बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, होम्योस्टासिस कहते हैं। तो जैसे ही टास्क मिला तो हमारा होम्योस्टासिस क्या हो गया, अंदर इंटरनल, और मतलब इंटरनल हमारा जो इन्वायरमेंट था वो डिस्टर्ब होने लगा। क्या होने लगा, डिस्टर्ब होने लगा, क्योंकि देखिए आप केमिकल चेंज हुआ, हीट बढ़ने लगी बॉडी में, क्या बढ़ने लगी, हीट बढ़ने लगी। हीट क्यों बढ़ रही है बॉडी में, क्योंकि केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। केमिकल रिएक्शंस क्यों हो रहे हैं, क्योंकि मसल्स फटाफट कार्य कर रहा है, और उसी समय क्या हो रहा है, एटीपी एनर्जी फटाफट बन रही है, टूट रही है, दे रही है। फिर हमारा ग्लाइकोजन, जितना एटीपी बनेगा लगभग 10 सेकंड या 5 सेकंड तक एनर्जी रहेगी, 5 सेकंड तक एटीपी रहता है, एनर्जी देती है। उसके ज्यादा देर तक आप टास्क करते हो, फिर ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन शुरू हो जाता है ना, फिर ग्लाइकोजन से ग्लूकोज कन्वर्ट होने लगता है। तो ये सब क्या है, यही केमिकल एनर्जी बन रही है ना, ये केमिकल प्रोसेस जब होगा तो आपकी बॉडी में हीट होगी, और यही हीट से क्या होगा, इंटरनल एनवायरनमेंट डिस्टर्ब हो जाएगा। अच्छा, इंटरनल एनवायरनमेंट डिस्टर्ब होगा तो धीरे धीरे आपकी बॉडी क्या होने लगेगी, थकान की तरफ जाने लगेगी, आपके बॉडी में लैक्टिक एसिड का जमना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर क्या होगा, फिर आपका परफॉर्मेंस जो आप करेंगे वो परफॉर्मेंस होगा। इसके बाद जब आपकी बॉडी थकान की तरफ बढ़ने लगेगी, थोड़ा थकान महसूस करेगी, तो तुरंत आपको एक रिकवरी दी जाएगी कोच के द्वारा, अब थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा आराम कर लो टास्क से, ठीक है। तो यही जब आप रिकवरी कर रहे होते हो, अब इसको समझिएगा ध्यान से, आप मैं एक बना रहा हूं फिगर, ये देखिए, ये जो आप ऊपर वाली लाइन देख रहे हैं, ये आपका एक नॉर्मल स्टेट है। नॉर्मल स्टेट का मतलब क्या है, आपकी बॉडी आराम की स्थिति में, अभी टास्क नहीं ली हुई है, आराम की स्थिति में आपके जो बॉडी का कंडीशन है ये है, सिंपल में है, ठीक है। जैसे ही आपने
बॉडी पे टास्क लेना शुरू किया, ये टास्क लिया आपने, आप थकने लगे, यहाँ पे क्या होने लगा आपका, आपका फटिक बढ़ने लगा, थकान बढ़ने लगा, धीरे धीरे आपको इतना थकान हो गया कि आप उसके बाद टास्क नहीं कर पा रहे हैं। तो थकान होने के बाद हम क्या करते हैं, थकान होने के बाद हम क्या करेंगे, रिकवरी करेंगे, क्या करेंगे, रिकवरी लेंगे। हाँ, रिकवरी लेंगे, रिकवरी लेंगे। तो जब हम रिकवरी ले रहे हैं तो देखिए रिकवरी लेते लेते समय क्या हो गया, फिर से हमारी बॉडी क्या हो रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, मतलब कि नॉर्मल स्टेट को क्या कर रही है, नॉर्मल स्टेट को क्या कर रही है, प्राप्त कर रही है, अपनी नॉर्मल स्टेट में जा रही है, अपनी नॉर्मल स्टेट में जा रही है। जब हम रिकवरी करते हैं तो हमारी बॉडी सिर्फ नॉर्मल स्टेट में नहीं जाती है, वह पिछले वाले जो हमारा पोजीशन था, पिछला वाला जो हमारा पोजीशन था, लेवल था, यहाँ था, अब उस लेवल से भी आगे परफॉर्मेंस को बढ़ा लेती है। जब ये परफॉर्मेंस को बढ़ा लेती है, इस फेज को हम कहते हैं एडॉप्टेशन। और ज्यादा देर तक बढ़ा सकती है तो इसे हम क्या कहते हैं, तो यहाँ पे जो हमारा बढ़ गया लेवल, ऊपर हो गया, देखिए अब नॉर्मल लेवल हमारा यहाँ हो गया, यानी अब हम जो टास्क करेंगे वो टास्क हमारा यहाँ शुरू होगा। ये देखिएगा ध्यान से, ये टास्क लेवल हमारा पिछले से ऊपर बढ़ा कि नहीं बढ़ा, तो ये जो लेवल हमारा बढ़ा है तो एडॉप्टेशन के द्वारा बढ़ा है, तो हमारा जब लेवल बढ़ जाता है, पिछला टास्क को अडॉप्ट कर लेती है, तो इसी चीज को हम कहते हैं सुपर कंपनसेशन। आपने बहुत बार इसका नाम सुना होगा स्पोर्ट ट्रेनिंग में, एग्जाम में, क्वेश्चंस में भी देखा होगा, बट एक्चुअल मतलब इसका क्या होता है ये आज आपको समझ में आ गया होगा। तो अब क्या हो गया, जब आप दोबारा टास्क शुरू करोगे तो अब आप टास्क यहाँ शुरू करोगे, फिर से आपने यहाँ पे लोड लिया, फिर आपने रिकवरी लिया। अच्छा, आपने यहाँ पे एक चीज देखा कि रिकवरी और फेज, रिकवरी और लोड के बीच का एक अच्छा बैलेंस है, तभी आपका क्या होगा, आपकी जो टास्क का सुपर कंपनसेशन एडॉप्टेशन सही होगा। अगर मान लीजिए हमने लोड इतना लिया और रिकवरी सिर्फ इतना दिया, तो हमारा परफॉर्मेंस घटने लगेगा, बढ़ेगा नहीं, घटने लगेगा। ये समझ में आ रही है मेरी बात? Yes, sir. इस फिगर के द्वारा समझ में जिसको आ गया वो कभी भी डिस्टर्ब नहीं होगा। Yes, sir. कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में आया तो एक दो बार वीडियो को देख लीजिएगा आराम से। मैं सच बता रहा हूँ कि इस तरीके से आपको लोड रिकवरी पढ़ाएंगे नहीं कोई, जिस तरह से मैंने इस फिगर के द्वारा अच्छे समझाया। देखिए बैलेंस देखिए, अगर प्रॉपर लोड और प्रॉपर रिकवरी है तो दिस इज नॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरलोड। देखिए नीचे कॉन्सेप्ट लिखा है ओवरलोड का, अगर आपके रिकवरी और इसका फेज सही नहीं है तो फिर आपका क्या, आपकी बॉडी में क्या बढ़ने लगेगा, आपकी बॉडी में ओवर, हाँ नहीं लैक्टिक एसिड तो बढ़ेगा ही, तो नहीं आप जब लोड परफॉर्म करोगे तो लैक्टिक एसिड तब भी फिर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ओवरलोड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जब इनबैलेंस होगा लोड और रिकवरी के बीच में तो फिर ओवरलोड होता है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया कि कुछ और बताएं इसमें, किसी को कोई दिक्कत? अब देखिए फिर आपने यहाँ पे लोड लिया और उस उतने ही लेवल में आपने रिकवरी लिया, फिर आपका परफॉर्मेंस देखिए यहाँ पे सेट हो गया। आपने नॉर्मल पोजीशन यहाँ से शुरू की थी प्रैक्टिस करना, लेकिन आपकी ऑर्गन्स कैपेसिटी कैसे देखिए बढ़ती जा रही है, बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, बढ़ रही है ना, रही है सर। हाँ जी सर, ऐसे ही परफॉर्मेंस बढ़ता है जब सही कोच के द्वारा सही लोड और सही रिकवरी दी जाए। अब बात ये फंसता है कि सही रिकवरी सही लोड क्या होता है, तो सही रिकवरी सही लोड यही तो चैलेंज होता है, किसके लिए, कोच के लिए, कि उसे पहचानना पड़ेगा। इसीलिए आपको पढ़ाया जाता है कि आपको पहचानना पड़ेगा कि इस बच्चे के जिसको आप लोड दे रहे हो उस बच्चे के बॉडी ऑर्गन्स उस लोड को अडॉप्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं हो रहा है सही अडॉप्टेशन, या लोड फेज में और रिकवरी फेज के बीच में जहां भी इंबैलेंस हुआ छोटा सा भी, तो तुरंत वहां पर आपका ओवरलोड इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये नॉर्मल सी बात थी, मैंने थोड़ा सा समझा दिया इसको ताकि आपको, साइंटिफिक में भी समझा दिया। आइए आगे बढ़ते हम लोग। ओहो सॉरी,
देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे नॉर्मल स्टेट है, यहाँ पर देखिए लोड दिया, रिकवरी प्रॉपर बहुत ज्यादा दे दिए, तो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा, ओवर कंपनसेशन भी लोड हो जाता है, तो यही चीज आपको समझनी है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ ट्रेनिंग स्टेट। अच्छा मैं इसको पढ़ाने से पहले सोचता हूँ कि आज की क्लास यहीं पर समाप्त की जाए,